राम राम जी, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए बहुत ही इजी वे में मैं आपको जो है सिंपल वे में मैं आपको तो यहाँ पर सिंपल पैरियाँ बताने जा रही हूँ। तो ये सिंपल निटिंग मशीन वाली बहन जो है इजी से बना सकते हैं। तो टोटल फंदे मैंने इसमें जो है 42 डाले हुए हैं और आपने पैर के अकॉर्डिंग इसमें जो है आपने रो लगानी है। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, आप ना बेस धागों का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बेस धागों का यूज़ कर सकते हो। पहले मैंने एक फंदे में राइट एंड लेफ्ट से इस तरह से कर दिया है और इस तरह से कर दिया है, ठीक है, इस तरह से कर दिया है। ये मैंने इसलिए किया है कि बाद में जो है मैंने यहाँ पर जो उल्टे फंदे बनाने हैं। फ़िलहाल मैं जो है इससे जो प्लान बनाती ही जाऊँगी और मैं यहाँ पर 56 रो लूँगी, ठीक है। तो जो यहाँ पर डाई स्टेशन है मैंने यहाँ पर जो है 9.25 रखा हुआ है, ठीक है, थोड़ा टाइट है ये ताकि पैर के लिए मजबूत रहे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप जो है चॉइस के अनुसार ही, मैं पहले भी आपको कहा है कि पैर के अकॉर्डिंग की इसमें जो आपने रो लेनी है सिंपल वे में बनाना है। तो मैं यहाँ पर जस्ट जो है 12 रो लूँगी पहले इस कलर में, डिफरेंट में। आप कई तरह के धागों का यूज़ कर सकते हो। इस तरह से सेम इतनी ही रो लगानी है जितनी मैंने यहाँ लगाई थी, इतनी मैंने यहाँ लगानी है। फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो देखिए, तो इस तरह से मेरे ये बराबर आ गए हैं, ठीक है। अब मैंने इसे इस तरह की ट्रिक मैंने आपको पहले भी बताई है, इसे जो है नीचे तक खोलते हुए जाना है, फिर इसे जो है लेफ्ट वाला फंदा बनाना है। बस क्या करना है, मैंने सिर्फ 2 रो ही लेनी है, मैंने इसकी 2 रो लेनी है ना मैंने इसकी। तो इस तरह से करते हुए जाना है, एक एक को बीनते हुए जाना है ऊपर टॉप तक, ठीक है, एक एक साइड में, एक इस साइड में, ठीक है। तो इस तरह से देखिए मेरा लेफ्ट का राइट फंदा बन गया है और मैंने जो फंदे यहाँ पर रहे थे वो राइट एंड लेफ्ट से बढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब इन सबको मैंने जो है लेस करना है, फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर इनको सारा लेस कर देना है और मैंने यहाँ तक स्टिच करना है, ठीक है, यहाँ तक स्टिच करूँगी। ये रेड का भी मैं बताऊँगी आपको और ये बैक में, बैक वाले पोर्शन में स्टिच होगा, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ये दोनों पासे स्टिच हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने आपको कहा था कि मैं यहाँ पर आपको बताऊँगी। तो यहाँ सिर्फ जस्ट मैंने अप एंड डाउन करना है, ठीक है, इस तरह से और फिर सारा गैदर करना है। फिर मैं आपको इसे जो है इस तरह से, देखिए ये इस तरह से टाइट कर लेना आपने इस तरह से, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर पक्का कर लेना है आपने। और ये तो यहाँ से बन के आ रही है आपकी जो सॉक्स है, पैरी है, बुट्टू बोल दीजिए, ये लेफ़्ट साइड को यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। इस तरह से जो मेरे ये पोर्शन है ना, ये नीचे को आ गया, देखिए, है ना, इस तरह से ये बैक की स्टिचिंग है, ये नीचे को इस तरह से इसे मैं पक्का कर लूँगी। फिर मैं आपको ऊपर का पोर्शन बताती, इसे भी ऐसे ही गैदर करते हुए जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मेरा जो है प्यारा बूट रेडी हो चुका है और इसकी जो यहाँ से जो लेंथ है वो बहुत अच्छी आ गई है, ठीक है। और इस तरह से ये जो मोटा स्टेप आ गया है, ठीक है। तो आप जो है इसे बना दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय वीडियोस। और जो ये फ्लावर है इसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की हुई है, ये मैंने जो है नीटिंग मशीन में बनाया हुआ है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, अच्छे अच्छे कमेंट्स देना है, ठीक है।